हेलो प्रेस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन आईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग को वीडियो बना के दिए थे, तो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में हमने बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो वर्नियर माइक्रोमीटर, यह फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये फिगर देख रहे हैं। ये तीन तरह का यहाँ पर डिवीजन बना हुआ है ना, ये मेन स्केल डिवीजन है, और ये थिम्बल डिवीजन है, और ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। ओके, तीन तरह का ये डिवीजन बना हुआ है। वर्नियर माइक्रोमीटर, इट इज ए प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ऑब्जेक्ट अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 0.001 mm, दैट मीन्स 1 micron। यह एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किसी जॉब को 0.001 mm यानी कि 1 micron तक शुद्धता में जॉब चेक किया जाता है। इट कैन बी मेजर लेंथ, विड्थ, थिकनेस, एटीसी। ये भी नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह जो है, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, ये सारा चीज़ हम लोग थिकनेस आदि को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? स्क्रू एंड नट। लीस्ट काउंट क्या है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, हमने पहले भी बता चुके हैं। वह मिनिमम से मिनिमम माप जिससे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम माप ले सके। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज 0.001 mm। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.001 mm होता है, यानी कि 1 micron। वर्नियर माइक्रोमीटर्स आर एबोरोबिन इन द रेंज ऑफ 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, and 125 to 150। इस तरह का 25 मिलीमीटर का रेंज में ही ये भी पाया जाता है, है ना, ये भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इंच में कैसे होता है? 0.1 inch टू 1 inch, मतलब 0.1 से लेकर के 1 inch के ये रेंज में पाया जाता है जब इंच में माइक्रोमीटर होता है। तो ये पार्ट्स नेम है ना, किस तरह का ये डिवीजन, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया, और ये जो है वर्नियर स्केल, हमने बताया थी पहले से। और ये जो छोटा सा डिवीजन बना हुआ है, ये सब डिवीजन बना हुआ है, और इसको बोलते हैं हम लोग थिम्बल डिवीजन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। ओके, ये यहाँ से इस तरह करके ये डिवीजन बना हुआ है, यहाँ से ये 1 mm, यहाँ से ये 1 mm, यहाँ से 1 mm, यहाँ से 1 mm, यहाँ से 1 mm। जो भी छोटा छोटा ये छोटा छोटा डिवीजन जो है, ये आपका सब डिवीजन है, आधा डिवीजन जिसको बोलते हैं, आधा मिलीमीटर, है ना। ओके, इसका एक के डिवीजन का मान कितना है? 1 मिलीमीटर है, और सब डिवीजन का मान 0.5 mm होता है। इस थिम्बल का डिवीजन, एक डिवीजन का मान कितना होता है? 0.01, नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह होता है। ये वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना होता है? 1 micron, मतलब प्रत्येक डिवीजन का मान कितना होता है? 0.001 mm होता है, यानी कि 1 micron होता है। ओके, सेफ्टी क्या होता है? इट शुड नॉट कीप विथ अदर कटिंग टूल्स, इट शुड नॉट फॉल बिफोर यू चेक जीरो पोजिशन, आफ्टर यूज इट शुड बी ऑयली। ठीक है, यूज करने से पूर्व या यूज करने के बाद इसे तेल आदि से लगा होना चाहिए, और इसे गिराना नहीं चाहिए, गंदगी पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ हॉट पोजीशन है वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में जान रहे हैं ना, तो ये क्या है वर्नियर माइक्रोमीटर? तो इसका लिस्ट कौन कितना दिया है? 0.001 mm, मतलब 1 micron का ये एक्यूरेसी है। लिस्ट काउंट कितना है? 0.001, मतलब 1 micron है। और ये क्या है? ये मेन डिवीजन है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका मेन डिवीजन है, और फिर ये बीच में सब डिवीजन भी दिया हुआ, छोटा छोटा भी दिया हुआ है ना। ये मेन डिवीजन है, ये बड़ा बड़ा है, और ये सब डिवीजन है। ये कितना है? 0 से 25 का ये रेंज में है, हम आपको दिखा दे रहे हैं।
ठीक है, ये दे आप देख रहे हैं, ये 0 से लेकर के ये 25 मिलीमीटर तक का ये रेंज है। ओके, तो इसके बाद फिर क्या है, ये थिम्बल डिवीजन है, ये यहाँ पर जो बना हुआ है ये चारों ओर बना हुआ है, देखो ये थिम्बल डिवीजन है ना, ये 0 से लेकर के जब एक चक्कर घूमता है तो ये 0.5 मिलीमीटर घूमता है, मतलब ये 50 को डिवीजन यहाँ पर बना हुआ है, ये थिम्बल डिवीजन कितना है 50 को डिवीजन है, और ये कितना है 0 से 25 मिलीमीटर है, ये बड़ा बड़ा है ये 25 मिलीमीटर मैन स्केल डिवीजन है। ओके, इसके बाद ये थिम्बल डिवीजन है, इसके बाद ये यहाँ पर एक और लाइन बना हुआ है, 10 गो लाइन है देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर और कितना 10 गो लाइन बना हुआ है यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये लाइन आपका दिखता है, ठीक है, ये लाइन, ये यहाँ पर लाइन बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है 10 गो पैरेलल लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये मेन स्केल हो गया, ये थिम्बल डिवीजन हो गया, मतलब इसमें तीन तरह का जो है डिवीजन बना हुआ है, ये मेन स्केल है, ये थिम्बल डिवीजन है, और ये वर्नियर स्केल, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm होता है। ओके, तो ये क्या है, ये मेन स्केल है, मतलब मिलीमीटर में काम कर रहा है, और ये क्या है, ये प्रत्येक डिवीजन का मान 0.01 है, नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह भी ये भी इसका डिवीजन का जो मान होता है ये 0.01 mm ही होता है। ओके, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका आपका वैल्यू कितना होता है, ये हम बता दे रहे हैं आपको कि इसका जो ये जो 10 गो लाइन बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ये 10 गो लाइन बना हुआ है, इसका जो आपका प्रत्येक का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं आप 0.001 mm, ये है ना, वर्नियर स्केल का प्रत्येक डिवीजन का मान कितना है, प्रत्येक लाइन का मान कितना है 0.001 mm, और ये जो थिम्बल डिवीजन का मान है, ये थिम्बल डिवीजन का प्रत्येक लाइन का मान कितना है, प्रत्येक डिवीजन का मान यहाँ देख सकते हैं आप 0.01 mm। ओके, तो ये इस तरह करके ये नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह ये थिम्बल डिवीजन काम करता है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, जरा हम लोग देखते हैं इसको, मान लीजिए ये आपका जॉब है, ओके, ये आपका जॉब है, ओके, ठीक है, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम लोग चेक करते हैं इसको, ये मैंने चेक कर दिया, ओके, रेचर स्टॉप जो है ये यहाँ पर है, और इसको मैंने चेक कर दिया, ठीक है, ये मैंने चेक कर दिया, ये रेचर स्टॉप को घुमा दिया हमने, और फिर क्या करेंगे, ये जो है ये वाला लॉक को हमने लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवीजन को हम लोग देखेंगे कि ये इसका डिवीजन कितना है, पहले तो मेन डिवीजन देखना होगा, ये है ना, ये 15 है, ठीक है, 15 के बाद ये 16 है, ये 17 है, ठीक है, इस तरह करके ये बना हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या बोले कि ये 15 मिलीमीटर है, ये 16 मीटर है, 17 मीटर है ना, 17 पॉइंट कितना है, 17 पॉइंट एक बार देख लीजिए बढ़िया से, 17 पॉइंट जो है ये जैसे यहाँ पर पीछे दिखा रहे आपको, ये यहाँ पर जो है 17 मिलीमीटर था। ओके, तो इसके बाद फिर क्या हो गया है, हम लोग का एक चक्कर जो है ये घूम गया था, 17 के बाद एक चक्कर जो है ये घूम गया था, है ना, एक चक्कर जो है ये घूम गया था, ठीक है ना, 17 पॉइंट ये एक चक्कर घूम चुका था, ठीक है, जैसा फिर से मेजर करके दिखा दे रहा आपको, है ना, ये मैंने दिखा दिया आपको फिर से, ठीक है, तो ये 15, 16, 17 पॉइंट हो गया। इसके बाद ये मेन लाइन से ये डिवीजन जो है कहाँ पर है ये देखना है, ये 0.1 प्लस हो गया, ओके, मतलब थोड़ा सा जो है ये कम हो गया, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, तो क्या करें इसको हम लोग, प्लस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसका डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 17.51, क्योंकि 0.01 जो है वो प्लस हो गया है ना 5 से। ओके, इसके बाद अब ये देखेंगे हम लोग कि ये लाइन जो है ये कितना है, अभी ये कौन सा लाइन जो है ये मैच कर रहा है, किसी
थिम्बल डिवीजन के साथ ये कौन सा लाइन जो है मैच कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये यहाँ से देखेंगे कौन सा लाइन मैच कर रहा है। ये देखिए आपका 7 नंबर मैच कर रहा है, 7, 8, 9, 10, 7 नंबर मैच कर रहा है। ओके, 7 नंबर मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 0.007 जोड़ देते हैं इसको, 7, 1, 5, 7, 17। तो ये डाया कितना हो गया है बताइए, तो डाया कितना हो गया, ये 17.517 है। इस तरह करके जो है हम लोग एक डिजिट मतलब एक माइक्रोन तक जो है हम लोग इसका एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी नॉर्मल का माइक्रोमीटर तरह ही काम करता है, लेकिन ये जो यहाँ पर बर्नियर स्केल दिया है इसका वैल्यू जो है हमने बता दिया है कि 0.001 mm होता है, मतलब एक माइक्रोन होता है। ओके, इसीलिए ये 1 mm का है, और छोटे छोटे जो सब डिवीजन बना हुआ है, ये थिम्बल डिवीजन है और ये बर्नियर स्केल डिवीजन बना हुआ है, तो ये 1 mm का काम करेगा। ओके, और ये 0.01 का काम करता है, और ये जो है बर्नियर स्केल एक माइक्रोन का काम करता है। तो तीनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं इसी तरह का जो भी वैल्यू है ना, किसी भी डाया का है या किसी भी थिकनेस का है, तो वो आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है आंसर आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो 3 डिजिट जो है आंसर आना चाहिए। तो ये फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, ये जो माइक्रोमीटर है हम लोग कैसे पकड़ते हैं, इस तरह करके देखिए कैसे पकड़ रहे हैं। एक अंगुली को यहाँ पर लगा दी है, एक सपोर्टिंग के लिए दिए हैं, बाकी ये अंगुली से इसको घुमा रहे हैं। तो जो कैसे पकड़ना है जरा आप भी देखिएगा, है ना, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे इसको टच करते हैं, देखिए फिर वही आया है ना, ठीक है, देखिए वही आ गया है ना, वही चीज़ है, ठीक है, 15, 16, 17 है ना, 17 पॉइंट आधा दूरी पार कर चुका है, ठीक है, इसके बाद एक डिवीजन प्लस हो गया। तो ये जीरो अगर ये लाइन के साथ मैच कर जाता है तो पूरा पूरा जो है 17.50 होना चाहिए, है ना, 500 होना चाहिए, लेकिन क्या है ये एक डिवीजन पार हो गया, तो क्या हो गया 17.51 हो गया, है ना, 17.51 हो गया है। इसके बाद यहाँ का कोई एक बर्नियर स्केल का कोई एक लाइन जो है डिवीजन जो है किसी में मैच कर रहा है, तो क्या हो गया, ये 7 में मैच कर रहा था, हमने बता दिया आपको ये 7 वाला लाइन था, तो इसीलिए आंसर कितना आया है हमने बता दिए थे, आंसर कितना आया था ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये है ना 17.51 था पहले, इसके बाद लास्ट में जो है एक माइक्रोन वाला हम बर्नियर स्केल को चेक किए तो कितना है 0.007, तो टोटल कितना हो गया 17.517। तो इस तरह जो है दोस्तों हम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, एक बर्नियर माइक्रोमीटर से हम लोग कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को जरूर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही खास चीज़ है टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि ये एक माइक्रोन तक की शुद्धता में जो है जॉब को मेजर किया जा सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।